हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वर्कशीट नंबर 4 ऑफ ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 7। अगर नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ पर हम लोग को बताना है कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करता है थ्री साइड्स दिए हुए ट्रायंगल को। क्वेश्चन इज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन और नॉट। ये ट्रिपलेट्स मतलब तीन दिए हुए हैं, तीन नंबर्स दिए हुए हैं। तीन नंबर्स को ट्रिपलेट्स कब बोला जाता है? जब उसमें से सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो उन तीनों को बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो वैसा किस में आ रहा है, उसके लिए चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करेंगे और बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम करेंगे। वो वैल्यू अगर इक्वल आ जाता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट नंबर में हम लोग का दिया गया 8, 9 और 10 है क्वेश्चन। इसको वेरीफाई करते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पर है 10 यूनिट वाला, तो 10 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, 10 × 10 100। बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम भी कर लेते हैं, बाकी दो साइड्स 8 और 9 बच गया, तो 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 8, 8 जा 64 प्लस 9, 9 जा 81, ये वैल्यू सॉल्व होके आया 415, 68, 14 यानी 145। ये 145 आ रहा है, ये 100 आ रहा है, तो 145 और 100 आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल का साइन होगा दोनों के बीच। अगर इक्वल होते तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता, इक्वल नहीं है इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। सो दिज आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ साथ में ये भी जान लेंगे कि हमेशा ये तीन जो नंबर्स दिए हुए रहेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, डेसिमल में या फ्रैक्शन में का वैल्यू का हम लोग बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं 5, 7 और 12 लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स तो है लेकिन सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर और बाकी दो साइड के स्क्वायर्स का सम करके देखते हैं। सबसे बड़ा वाला साइड कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 12 × 12 होता है 144 आ रहा है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। सम अगर इसका करते हैं तो क्या हो रहा है, 9, 5, 14 का 4 × 1, 4 × 6, 1, 7 आ रहा है, 74 आ रहा है। तो 144 और 74 ये भी आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल रहता तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता, क्योंकि इक्वल नहीं है सो दीज आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो नहीं करता है। नाउ द लास्ट नंबर, थर्ड नंबर में यहाँ पर दिख रहा है क्या हम लोग का, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 × 5 दैट इज 25 और अदर टू साइड्स क्या बच गया, 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग और 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, दोनों का सम हो गया 25। तो यहाँ भी 25 आया, यहाँ भी 25 इज इक्वल टू 25 आ गया, सो दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगा, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 5, 12 और 13 है, तो यहाँ वेरीफाई करना है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड कौन है, 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 13 × 13 दैट इज 169, ये 169 आ जा रहा है और बाकी टू साइड्स जो बच गए हैं उसके स्क्वायर्स का सम, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या आ जा रहा है, 5, 5 जा 25 और 12 का स्क्वायर 12 × 12 दैट इज 144। तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 और 144 इनका सम करेंगे तो इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है, 169 आ रहा है। 169 के इक्वल आ जा रहा है, दोनों ही तरफ इक्वल वैल्यूज आ जाएगा, LHS और RHS में करके लिख के देखेंगे इसको, तो ये पाइथागोरियन
ट्रिपलेट होगा, सो इट इज एन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नाउ नेक्स्ट नंबर, फिफ्थ नंबर एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हम लोग का कौन है, 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा वैल्यू, 15 into 15 दैट इज 225। नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर मीन्स 9 into 9, 12 का स्क्वायर मीन्स 12 into 12, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 9 into 9 81, और 12 into 12 144 हो गया, तो 144 हो जा रहा है। अब इन दोनों का भी सम करते हैं तो 225 आता है। अब 225 LHS में भी और 225 RHS में भी दोनों ही वैल्यू इक्वल है, सो दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसके साथ हम लोगों का वर्कशीट नंबर 4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग।